नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। जिले में इन दिनों सत्ता के दबाव में प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है, या आए दिन देखने को मिलता है। एक तरफ पीड़ित जहां आवेदन लेकर भटकते रहते हैं और पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती, तो वहीं सत्ता के दबाव में साधारण नोटिस थमा कर FIR दर्ज कर ली जाती है। फिर चाहे शिकायतकर्ता चिल्लाता रहे कि उसे कोई शिकायत नहीं है, तब भी पुलिस आरोपी बनाकर अपराधियों की श्रेणी में खड़ा कर रही है। ऐसा ज्यादातर जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में हो रहा है। विगत दिनों नगर पंचायत में हो रही अवैध वसूली की आवाज उठाने वाले भागीरथी शुक्ला के साथ देखने को मिला, जहां सत्ता के दबाव में बिना सील सिक्का के टोल कर्मचारी के द्वारा वसूली की नोटिस दी गई, तो पीड़ित ने उक्त नोटिस का जवाब दिया, जिसमें उसने बताया कि MPRDC के अनुबंध के तहत आर्टिकल 46 में उल्लेख है कि किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर टोल नाके में रखे कंप्लेन रजिस्टर में शिकायत दर्ज करानी होती है, जिसका अवलोकन MPRDC स्वयं करती है और यह कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकती, बल्कि खुद MPRDC उपभोक्ता फोरम में मामला देती है। लेकिन सत्ता के दबाव में थाना प्रभारी ने रसीद से ज्यादा पैसा लेने का मामला कर्मचारी पर दर्ज कर लिया। इसके बाद भी जिस व्यक्ति को शिकायतकर्ता बनाया गया, जब वह तहसील पहुंचकर हलफनामा दिया और उसने बताया कि वह कोई शिकायत में कार्रवाई नहीं चाहता और ना ही उस पर कोई दबाव है, तब भी इस मामले में भागीरथ शुक्ला के खिलाफ अपहरण व मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मीडिया के सामने भागीरथ शुक्ला ने तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक गर्ग से बात की, तो उन्होंने कबूल किया था कि सत्ता के दबाव में उन्हें कार्रवाई करनी पड़ सकती है। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन सत्ता के दबाव में सिमरिया को बदलापुर तो बनना ही है और जिसके चलते पुलिस को भी अपनी खुन्नस निकालनी है। तो पुलिस ने फिर भागीरथ शुक्ला के खिलाफ अपहरण, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करा दिया है। बताया भी जाता है कि शासन सत्ता के दबाव के चलते की जा रही कार्रवाइयों का मीडिया के सामने भंडाफोड़ हुआ, तो खुन्नस निकालने के लिए स्थानीय नेता के चहेते TI ने झूठा आपराधिक मामला कर दिया। सवाल यह है कि आखिर स्थानीय नेता एवं पुलिस कब तक यूं ही लोगों के साथ अन्याय करती रहेगी व झूठी कार्रवाइयां करके क्षेत्र में दबाव बनाने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि जिले में आवाज उठाने वालों के साथ साथ पीड़ितों की आवाज बनने वालों पर भी दबाव बनाकर झूठी शिकायतें करवाई जा रही हैं और FIR तक दर्ज की जा रही है, और इसी के तहत एक अन्य पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया, जिसने बताया कि उसका बेटा फर्स्ट ईयर का छात्र है, उसे झूठे मामले में फंसाकर अपराधी बना दिया गया, जिससे उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। क्षेत्र में लोगों को झूठे मामले में अपराधी बनाया जा रहा है और बदलापुर बनाकर लोगों की जिंदगी खराब की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं सत्ता और पुलिस की प्रताड़ना से तंग लोगों को। वहीं पीड़ित भागीरथ शुक्ला ने मीडिया के सामने ये भी कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वो CM हाउस के समक्ष आत्मदाह करेंगे। बताइए भैया जी। मेरा नाम राहुल सिंह, ग्राम पोस्ट बुसौर, तहसील सिमरिया, थाना सिमरिया, जिला रीवा का रहने वाला निवासी हूँ। मेरे बड़े पिताजी के लड़के सत्यम सिंह जो है, उनका निरपराध तरीके से जो है FIR करवा दी गई, बिना जांच पड़ताल के आँख बंद करके उसके नाम रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जो कि वह अध्ययनरत है, BA फर्स्ट ईयर में अध्ययन है, जमुना प्रसाद शास्त्री में पढ़ता है, जिसके FIR होने के कारण उसकी ताजिंदगी जो है ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। इस प्रकार खिलवाड़ न किया जाए उसके साथ, और एक जांच कमेटी बैठाई जाए, उसमें दिखवाया जाए कि क्या वास्तव में वो लड़का था कि नहीं था। जिस समय घटनास्थल की बात है, उस समय वह लड़का दूसरे के यहाँ खेत में जाकर अपने पिताजी को रेस्ट देकर खुद ट्रैक्टर चला रहा था, किंतु गांव वालों ने मिलकर तथा प्रतिवादियों ने मिलकर जानबूझकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और पुलिस आंख बंद करके, थाना सिमरिया की पुलिस आंख बंद करके उसके नाम FIR करवा दी। हम पूछना चाहते हैं थाना सिमरिया के प्रभारी महोदय जी से कि यदि वो निरपराध है और यदि उसके नाम FIR हो गई तो उसके जिंदगी का सवाल है, तो उसका कौन जवाबदार होगा। मैं मीडिया के द्वारा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जवाबदार कौन होगा, हमें न्याय चाहिए। धन्यवाद। मैं जिनका पिता हूँ और हमको बड़ा दुख है कि हमारे साथ इतनी ज़बरदस्ती की जा रही है थाने द्वारा कि हम किसी के सामने खड़े होने लायक नहीं रह जाएंगे। मेरा बेटा निरपराध फंस रहा है, उसको बचाने के लिए केवल एक ही सहारा है कि इसके अधिकारी
जांच करें और यदि जांच में फंसता है तो उसको सजा दी जाए, यदि जांच में नहीं फंसता है तो उसको निर्दोष अपराध बरी किया जाए। किस कारण से फंसाया जी? किस कारण से उसको झूठी रिपोर्ट में फंसाया? कौन फंसाया है, क्या फंसाया? आपसी मतभेद, और आपसी मतभेद के कारण गांव के कुछ दरिंदे ने उसको फंसाया है, जो कि जिनके हमेशा का पैसा है, जो रिपोर्ट दर्ज कराया है वो हमेशा लड़ाई झगड़ा शराब। क्या नाम, नाम क्या है उनका? नाम उसका, उसका नाम मिसुल है और हमको जानकारी नहीं कि क्या नाम जी। बताइए क्या मामला लेके एसपी ऑफिस आए? मामला मैं लेके ये आया हूँ कि मेरे यहाँ 1 तारीख को एक टोल फ्री नंबर में, जो शासन का टोल फ्री नंबर 181, कालीचरण नाम के व्यक्ति विश्वकर्मा हैं बवनी के, उनके द्वारा शिकायत की गई कि हमसे टोल में 40 रुपये की रसीद दी गई और 50 रुपये लिया गया। इसके संबंध में 3 तारीख को माननीय थाना प्रभारी महोदय हमारे यहाँ कालीचरण को बुलवा के और टोल जाते हैं। शाम को 4 तारीख को पहुँचे टोल और हमारे कर्मचारी सूरज सिंह को उठा ले गए। जब मैं थाना पहुंचा तो बोले कि इसमें हमारे ऊपर दबाव है मुकदमा कायम करने का। तो हमने कहा श्रीमान जी, मुकदमा कायम करने का किस कारण से दबाव है? यदि हमारे कर्मचारी ने टोल में कोई मारपीट किसी भी व्यक्ति से निकलने में या किसी भी गाड़ी घोड़ा में किया है तो आप ICP की धारा जो पुलिस की बनती है उसमें आप कायम ही करें, और यदि हमारे व्यक्ति ने अधिक पैसा लिया है तो ये MPRDC के रूल्स में कि हमसे MPRDC 4 गुना या 6 गुना अधिक वसूलेगी, हमको दंडित करेगी, ये हमारे एग्रीमेंट में। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, ये FIR कर दिया, ये दिया हुआ, ये डायरेक्टली रूल्स, इसकी कॉपी मैं आप लोगों को दूंगा। तो इन्होंने अपनी धारा ना लगा के 384 की धारा लगाई, 384 की धारा जो इनके अंतर्गत लूटपाट, तो लूटपाट तो कुछ ही नहीं। हमारे स्टाफ ने यदि किसी ने पैसा लिया अधिक तो MPRDC आज मेरे व्यक्ति ने किया तो आप 323 लगाते, 294 भी लगाते, लेकिन 384 की धारा नहीं बनती है। उसकी शिकायत मानी मैंने यहाँ पर किया जिला अधीक्षक यानी आपके पुलिस अधीक्षक, और उसके बाद 7 तारीख को मेरे द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई इसी मामले में मीडिया के समक्ष। मैं थाना प्रभारी TI साहब से जब बात हुई मेरी तो TI साहब ने मीडिया के रिकॉर्डिंग पर, वो मीडिया के वो देने पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरी जांच की और जांच करने के बाद TI साहब को निलंबित कर दिया। TI साहब ने 8 तारीख को यहाँ भी दिया गया MPRDC से लेटर आया और 10 तारीख को मेरे को पुनः बुलाया गया। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो ये कहा गया कि आपके कर्मचारी सूरज सिंह के ऊपर मुकदमा कायम किया जाता है। 12 तारीख को एक हल्फनामा दिया जाता है कालीचरण के अपने गाड़ी से आके और सिमरिया तहसील और नोटरी साहब के सामने समक्ष, जिसमें बयान वाले भी हैं, गवाह भी है। लेकिन 12 तारीख को उससे आवेदन लेके कालीचरण जी से और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाकर अपहरण का, कालीचरण जी घर में है, जबरदस्ती दबाव बनाकर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। तो मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि ये मामला कहीं 181 टोल से लेकर और मामला अपहरण तक आ गया, ये फर्जी है, जिसकी मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से आगाह करता हूँ कि TI साहब के उस बयान को ढंग से देखें जिसमें वो कह रहे हैं कि आप अपने परिवार को बचाओ, आप पैसा खूब कमा लियो, पैसा तो मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं वहाँ टोल चला रहा हूँ, टोल में मैनेजर हूँ मैं, तो यदि कोई बात होगी तो मैं तो दौड़ूंगा कर्मचारी के पीछे। लेकिन मेरे ऊपर ये राजनीतिक KP विधायक खुलकर पड़े हैं, कहीं मेरे होटल बिल्डिंग में पड़े हैं, कहीं नोटिस भिजवाएंगे, मेरी मंजूरी है, कहीं कहेंगे 5 फीट ऊंचाई ज़्यादा है, कहीं कहेंगे 8 फीट ऊंचाई ज़्यादा है, नगर पालिका, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा प्रताड़ना KP त्रिपाठी की द्वारा दी जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से यह चाहूँगा कि इसकी पूरी न्याय संगत पॉइंट बाई पॉइंट जाँच कराई जाए और जांच कराने के बाद ही कार्रवाई की जाए और इस मुकदमे में खात्मा लगाया जाए। यदि मैं दोषी नहीं हूँ तो खात्मा लगाया जाओ, मेरा कर्मचारी सूरज सिंह दोषी नहीं है तो उसके ऊपर जो धारा लगी है वो भी हटाई जाए। पुलिस थाना प्रभारी किसके ओर इंगित कर रहे थे कि आप उससे बच के रहिए अपने परिवार? थाना प्रभारी ये चाहते थे कि चूंकि कहीं ना कहीं मैं राजनीति से जुड़ा हूँ
मैंने पहले भी बताया था कि मैं समिति का अध्यक्ष हूँ और समिति के अध्यक्ष के कारण मेरी विशेष जनपद सदस्य थी, मेरे पिताजी पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन थे, मैं कांग्रेस से था पहले भी, बिलोंग मेरा पूरा बाबा दादा के ज़माने से कांग्रेस से बिलोंग करते थे। अब उनका मकसद था कि मेरी राजनीतिक पकड़ जमीनी स्तर पर है उस क्षेत्र में, तो वो मेरे साथ सोच रहे हैं कि मेरे साथ है कांग्रेस में रहें, मेरे को हर तरह से दबाव बना के। तिहाई साहब जो आपको इंगित कर रहे थे कि अपनी जान बचाओ, तो किससे बचाना चाह रहे थे? केपी जी से उसमें साफ साफ दिया कि माननीय विधायक जी से अपनी जान बचाओ और उनके साथ मिल जाओ, वो तो वीडियो में समझ में है। कोई भाजपा का उनका नजदीकी हो तो उससे कहो कि हमारे साथ। भाजपा का कोई यदि आपका नजदीकी रिश्तेदार हो तो केपी जी से फोन करवाओ कि मैं उनके साथ रहूंगा चुनाव में। जी क्या है, एक विधायक है या कोई दमंग व्यक्ति है या फिर कोई गुंडा है, कौन है वो? वो विधायक तो अब कहला ही नहीं सकते, वो तो गुंडा ही है। किंग जॉन भी बने, शहाबुद्दीन भी बने, लंकापति भी बने, अब तो हमको लगता है कि अजगर बनेंगे। जो अजगर इंसान को लील लेता सीधे, तो अब तो वो अजगर बनेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, इसकी न्यायिक जाँच कराएं आप इस पूरे केस की, सक्षम अधिकारी को भेज के और पूरी न्यायिक जांच कराएं। जो स्टाम्प बैडर है उस कौन ले जाके खरीदा, अपने स्वेच्छा से किया, नोटरी के समक्ष दस्तखत किया उसने अपने से किया, फोटो खिंचवाने वाली दुकान में गया अपने से खिंचवाया, किसी का यदि अपहरण होता तो चार आदमी उसको पकड़े रहते। इस मामले की पूरी न्यायिक जाँच कराएं और सिमरिया से नहीं एक सक्षम अधिकारी से जाँच कराएं। और ये केपी त्रिपाठी जी जो बार बार सिर्फ सिमरिया में मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, इसी प्रकार प्रमोद शर्मा जी ने आवाज़ उठाई थी और ये मामला पूरा दबा क्यों रहे हो? चूँकि बाजार बैठके की जो अवैध वसूली हो रही, ये माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय SDM महोदय, माननीय SDOP साहब सबके निगरानी में है, तो उसका मामला पूरा दबा के बाजार बैठके की इस अवैध जो वसूली हो रही, जब प्रमोद भाई साहब ने उठाई थी तो प्रमोद भाई साहब का रीढ़ की हड्डी तक टूटी थी, ये पूरी मीडिया को जानकारी। तो अपना मामला दबा कर वो मामला मेरे ऊपर उलझाना चाहते हैं। मैं दो मिनट बाद कुछ क्या नाम है आपका? भागीरथी शुक्ला, मैं एक व्यवसायिक भी हूँ और राजनीतिक भी हूँ। ये आज जो है यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, मैं स्वयं आया हूँ, भागीरथी शुक्ला है जो कि मेरे साथ में प्रेस वार्ता जो लास्ट टाइम आप लोगों के बीच में हुई थी उस दिन एक जो है कॉल करते हुए लाइव जो कॉल किया गया था सिमरिया थाना TI गरग जी के साथ में, जिसमें वो कह रहे थे कि अपनी जान को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, विधायक सिमरिया जो है वो जानबूझ के जो है आपके मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। उस दिन तक दर्ज नहीं था, वो बता रहे थे कि आप जाके उनसे उनके साथ मिल लीजिए। लेकिन जब वो वायरल हुआ उसके बाद जो है जिस प्रकार से वहाँ पर जो है ये हुआ कि उनके ऊपर जिस प्रकार से वो कल रात को जब से अपहरण का मामला जो दर्ज हुआ और उसके बाद में पेपर जो दिया हुआ, उसने पेपर जो दिया है जो स्टाम्प पेपर लिख के दिया है, उसको बताने के लिए हम यहाँ पर आए थे और बताना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसके मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर उस समय बाजार बैठकी का मामला जब मैं लेके आया तो उसके मुकदमे दर्ज हुए, उस समय मेरे ऊपर जगह जबकि मारपीट मेरे साथ हुई थी, उसी कारण से यहाँ पर जो है उसके बाद जब वीडियो वायरल हुए नहीं हुआ तब फिर यहाँ पर जब मैं लेटा था सामने में तो यहाँ से जो है SP महोदय वो चले गए, अभी आए हैं तो मेरी अभी फाइल खुल रही है वापस जब बंद किया था। दूसरी चीज़, अभी हाल में ही लगातार सीरीज चलाने के ऊपर जिस मीडिया ने ये सब चलाया लगातार, कल ही एक जो मीडिया चला उसके ऊपर यहाँ पर अभी जो है आपका अमहिया थाने में एक शिकायत दर्ज हो गई उसके ऊपर कि शिकायत की मीडिया ने हमें चलाया, मेरे ऊपर स्वयं 20 करोड़ रुपए का मुकदमा, मानहानि का मुकदमा जो है माननीय न्यायालय में चल रहा रीवा में, उन्होंने नोटिस भेजा है जिसमें हम जो है मुकदमे बता रहे हैं कि वो जो है जो हमने बात बोली है पूरा पुख्ता प्रमाण के साथ और सब लोग जो बोल रहे हैं उसी बात को किसी मीडिया ने दिखाया, मुझे मैंने बोला तुम 20 करोड़ का मुकदमा भेज के मुझे कई बार प्रलोभन देकर यहाँ तक JP सीमेंट के जो है जो मुखिया हैं संभव श्रीवास्तव से बुलवाकर ठेका देने के 2 से 5 करोड़ रुपए का ठेका देने की बात मुझे कह के प्रलोभन करके सेट करना चाहा, लेकिन मैंने उसको ठुकराया और उसके बाद जो है बता रहा हूँ मैं आपको आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जो है जिसके नाम से इनको जानते हैं लोग, अभय मिश्रा के नाम से जैसे इन लोगों को जानते हैं, वो भी इस जगह पर खड़े होने से घबराते हैं, कोई भी व्यक्ति इस मामले में ऐसा अपने को नहीं कहना चाहता, तो वो मैं बताने आया हूँ आपको कि इसके साथ में हम खड़े क्योंकि हमारे साथ उस दिन रात को जब घटना घटी थी तो ये भाई जो है हमारे साथ खड़ा था और जिस प्रकार से वायरल किया है उसमें जो है ये कांड होता है, ये एक कहना नहीं है, ये विधायक सिमरिया जो है इस जो है नासूर बन चुके हैं सिमरिया विधानसभा के और वो जो है माने आवाज़ उठाने वाले हम जैसे व्यक्ति व्यापारी व्यक्ति जो उनके साथ खड़ा नहीं होता
मीडिया हाउस जो मीडिया उनके खिलाफ दिखाएगा, वो पत्रकार बंधु जो लोग उनके खिलाफ में जो भी समाचार चलाएंगे, ये समस्त लोगों के लिए जो है आवाज़ उठाने वाले, उनके खिलाफ गांव में बोलने वाले लोगों को, एक छोटी सी नौकरी करने वाले विष्णुपुर जैसे आदमी को जो है उन्होंने 2000 की नौकरी से निकलवाने के लिए अपना लेटर लिख के उसको स्कूल से निकलवाया, ऐसे सब जगह प्रमाण जो है सब क्षेत्र में और पूरे गाँव में व्यतीत है। गाँव में भ्रष्टाचार से लेकर अपने निधि तक के खाने का काम जो है पूरा सिमरिया के अंदर में पूरा कंट्रोल में जो है विधायक सिमरिया कर रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।